क्या ये मेरे टूटे हुए बाल हैं जो बीच से टूट गए थे या फिर रीग्रोथ हैं? जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये टूटे हुए बाल नहीं हैं, ये रीग्रोथ हैं। और हम में से काफ़ी सारे लोग अपने बालों में इस पोर्शन में या हेयर लाइन पर बाल देखते ही होंगे। वो बाल आखिर आते कहाँ से हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल एडमायर ब्यूटी पर। हमेशा झड़ते हैं और दोबारा से आते हैं, ये प्रोसेस पूरा चलता है कुछ चक्र में। मतलब आपके बाल भी एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां पर वो ग्रो करते हैं, लंबे होते हैं और टूटते हैं। इन फेजेस के बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। फिलहाल की वीडियो है आपके बालों पर एलोवेरा कैसे मैजिकली काम कर सकता है उन्हें तेज़ी से लंबा करने के लिए। देखिए, सच बताऊं तो किसी और रेमेडी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जिस तरीके से मैं यहाँ पर एलोवेरा के बारे में बताऊं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इन एलोवेरा को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कोई भी रेमेडी उठाकर अगर आप लगा लेते हैं ऐसे ही बिना उसकी जानकारी के, तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, नॉलेज लीजिए और उसके बाद ही आपको उन्हें ट्राई करना है। रिजल्ट्स अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रेमेडी आपको सबसे अच्छी सूट होती है वही आपको लगानी है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर ये रेमेडीज इसीलिए बनाना है इतनी सारी, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ अगर मैं इस चैनल पर डालूंगी तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों को उससे फ़ायदा मिले। 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप कमेंट में चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो असर ही नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ आपको सूट नहीं होती या फिर आपको एलर्जी करती है। वो चीज़ें आपको देखनी ही होंगी और देखना चाहिए भी। क्या हम बाज़ार से लाया हुआ कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो पहले देखते नहीं हैं कि वो हमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा? तो फिर आप रेमेडीज़ में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इतनी सी जानकारी से शायद आप समझ गए हों कि रेमेडी किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। आज की बात करते हैं तो एलोवेरा किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है, आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकता है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। एलोवेरा सच में मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, शुरू से मैं बोलती आई हूँ। आजकल हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी रात की नींद बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है सबकी लाइफ में ही, मैं किसी से भी सुन लूँ कि हमें स्ट्रेस बहुत है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर बालों का झड़ना भी उतना ही इफ़ेक्ट दिखाता है। इवन ना ही सिर्फ बाल, बल्कि आप देखेंगे कभी कई बार आपके नेल भी बीच से टूट जाते हैं, कई बार स्किन पर भी जल्दी झाइयाँ झुर्रियाँ सब दिखने लग जाती हैं। वो क्यों होता है? लाइफस्टाइल के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अपने बालों के लिए गलत यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हेयर शैम्पूज़, हेयर सीरम, हेयर कंडीशनर, या फिर बाहर औरों को देखकर या टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखकर इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि हम अपने बालों पर वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ घर में बनाई हुई रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, एलोवेरा एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह आपके बालों पर काम करता है अगर आप थोड़ा सा टाइम उसे दें और रेगुलरली उसे लगाएं। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे पाएं तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिकली कैसे एलोवेरा हमारे स्कैल्प पर, हमारे बालों पर काम करता है। बाकी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ रेमेडी पर जाकर जंप कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपने बालों पर कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, अपनी स्किन पर कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, तो क्या उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए या नहीं, सिर्फ आप डिसाइड कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। मैजिकल इंग्रेडिएंट या सुपर इंग्रेडिएंट कैसे आपके बालों पर काम करेगा? नंबर वन फायदा इसका, सबसे पहले तो ये आपके बालों की डैंड्रफ को खत्म करेगा। सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें क्लियर हो गया है कि अगर अपने हेयर केयर रूटीन में आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होगी। डैंड्रफ आपके स्कैल्प में होता है तो काफी ईचिंग होती है और हेयर फॉल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहला तो हेयर फॉल कंट्रोल करने का यही यहाँ पर आपको तरीका मिल गया है कि एलोवेरा जेल को लगाइए और डैंड्रफ से छुटकारा पाइए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लंबे बाल चाहिए तो बालों को मजबूती देनी होगी। अब एलोवेरा कैसे काम करेगा? क्योंकि एलोवेरा के अंदर है विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए, जो कि आपके बालों को एक तो शाइन बहुत अच्छी देता है और ये स्कैल्प से ही हेल्दी सेल्स ग्रोथ को प्रमोट करती है और मजबूत आपके बाल निकलते हैं स्कैल्प के अंदर से और वो लंबे होने में भी हेल्प मिलती है। में होता है एक और चीज़ जो बहुत कमाल का काम करती है दोस्तों, आपके हेयर को गिरने से बचाने के लिए, वो है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। किसी भी स्टडी में जाकर आप पढ़ लेना, अगर आपको ना क्लियर हो जाए कि कितना बढ़िया रहता है एलोवेरा जेल, तो ये चीज़ें आपके बालों को मजबूत बनाएंगी, आपका हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है, ये आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बालों की ग्रोथ भी उतनी ही स्पीड से होती है।
इसके अंदर काफी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये ऑयली हेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जो आपने देखा होगा शैम्पू करने के बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बाल वापस से ऑयली हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनके अंदर जो स्कैल्प है उसके अंदर बहुत सारे ऑयल सिक्रीट होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। आपको लेना है एलोवेरा जेल, आप कोई भी लीफ ले सकते हैं एलोवेरा जेल की, और ये जेल आपको डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर रब करना है। जो लीफ है इसको रब करना है तो जो इसके अंदर का जेल है वो ऑटोमेटिकली आपके बालों की जड़ों में भी अप्लाई होगा, और दूसरा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके हेयर और भी ज़्यादा लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सबसे अच्छा तो अगर आपको गंजापन है और गंजापन आपको दूर करना है तो ऐसे में आपके खोए हुए बाल दोबारा लाने के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल से बना शैम्पू। होममेड शैम्पू कैसे बनाना है एलोवेरा जेल का मैं आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। गंजेपन की समस्या बिल्कुल ही खत्म कर देगा, और आज की जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ अगर वो भी आप अप्लाई करते हैं तो भी आपकी गंजेपन की समस्या से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ में आपको जो एलोवेरा शैम्पू मैं आगे बताने वाली हूँ वो भी इस्तेमाल करना है। तो चलो फटाफट से देखते हैं आज की रेमेडी आपको कैसे बनानी है और कैसे अप्लाई करनी है। इस रेमेडी को बनाना बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। आपको सिर्फ एक एलोवेरा जेल की लीफ लेनी है और उसको इस तरीके से उसके अंदर के कांटे रिमूव कर देने हैं, साइड के लीफ को छील लेना है। काफ़ी बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ एलोवेरा को कैसे आप सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है कि एलोवेरा जेल कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें, बहुत काम आने वाली है आपके। तो इस तरीके से पहले एक नाइफ़ की हेल्प से एलोवेरा जेल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि ये रेमेडी हम जड़ों में लगाएंगे, ज़्यादा ये काम जड़ों पर ही करती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस रेमेडी को बना लीजिएगा, फ्रेश ही बनानी है और फ्रेश ही लगानी है, इसको स्टोर करके मत रखिएगा। अगला जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर लिया है वो है प्याज। ये लाल रंग की प्याज ही आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि लाल रंग की प्याज के अंदर होता है भरपूर मात्रा में सल्फर, जो कि बालों का झड़ना भी रोकेगा और बालों की ग्रोथ को 2 से 3 गुना बढ़ाने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको सिंपली एक ग्रेटर लेना है और इसके अंदर ये जो प्याज है, अनियन है, इसको ग्रेट कर देना है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भी हल्का सा पानी डालकर इसे चला सकते हैं, घुमा सकते हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनियन जूस मिल जाएगा। सिंपल मेथड ये है, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही प्याज के रस की हमें ज़रूरत है, एक दिन के लिए इतना रस काफ़ी है। तो ये देखिए ग्रेट किया हुआ अनियन अभी ये स्ट्रेनर में आ गया है। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि जो एक स्पून है उसे इसको प्रेस करते चले जाएंगे और जो भी अनियन जूस है वो हमारे एलोवेरा के मिक्सर में गिर जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना फेवरेट हेयर ऑयल, 100% शुद्ध कोकोनट हेयर ऑयल। दोस्तों गर्मियों के लिए ये हेयर ऑयल बेस्ट होता है, तो ज़्यादातर आप नारियल के तेल का ही इस्तेमाल किया कीजिए अगर आपको ऑयलिंग करनी होती है तो। बाकी ये रेमेडी आपको नहाने से पहले अपने बालों में लगानी है, 1 घंटा पहले इसे लगाकर अपने बालों में छोड़ दीजिएगा, और जो भी आपका नॉर्मल शैम्पू है उससे आप अपने सर को वॉश कर सकते हैं। अगर आपको स्मेल ज़्यादा फील होती है, आपको लगता है कि बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है प्याज की वजह से, तो आप इसके अंदर कोई भी अपना मनपसंद एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं जो कि स्पेशली हेयर ग्रोथ में काम करे। जैसे कि आप अगर चाहें तो आर्गन ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, सभी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने स्कैल्प में इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अगर आपको इसे जेल फॉर्म में लगाना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है और उसके अंदर इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है, और ये आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी क्रीमी हो जाएगी, मतलब एक सिरम की तरह ये बन जाएगा। अगर आप जेल लगाना पसंद नहीं करते हैं तो वो अप्लाई करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। बस अपने बालों की जड़ों में इसे लगा लीजिएगा, अच्छे से मसाज कीजिएगा। 1 घंटे छोड़ने के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। वीक में कम से कम 3 बार आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अगर आप एलोवेरा जेल से एलर्जिक हैं तो बिल्कुल भी आपको अपने बालों पर इसे इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज़ बाल झड़ने भी लग सकते हैं या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर ध्यान रखना एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से पहले। अदरवाइज़ जिनको सूट होता है तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए एक वरदान की तरह है ये एलोवेरा जेल। इसका इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए और घर में प्लांट लगा लीजिए। बाहर के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल पैसे वेस्ट मत कीजिए, घर के एकदम शुद्ध एलोवेरा जेल से आप अपनी स्किन, अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको आने वाले टाइम में बहुत ही सुपर और अल्टीमेट रिजल्ट्स वाली रेमेडीज़ और मिलने वाली हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक और कमाल की रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।